इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ियों को जंगल में। देखिए येलो येलो, आप भी आइए जरूर खाइए येलो येलो। तो अब मेरे साथ ही मशरूम निकालेंगे और मैं भी इनके साथ निकालूंगा। देखिए ऊपर आप देख सकते हो भोलेनाथ की जटा आपको दिख रही होगी, यहाँ तक आपकी नजर जा रही होगी, वहाँ तक मशरूम लगे हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों देखिए उधर पहाड़ी पे मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं बहुत बड़े बड़े। अगर आप भी डेली डेली मार्केटों की सब्जी खा करके परेशान हो गए। देखिए हमें और मशरूम मिल गए, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमें मशरूम मिलते जा रहे हैं। देखिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी, मैं आपका हॉस्ट एंड दोस्त उर्गम वासी। तो दोस्तों आज हमारा सफ़र शुरू है, काफ़ी शानदार सफ़र होने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम देखिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ पता नहीं है, अभी जा रहे हैं जंगल की ओर। कौन से जंगल में जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं अभी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए हम जा रहे हैं इधर, देखिए इधर जंगल की ओर जा रहे हैं और ठीक हमारी दाहिनी साइड है श्री कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन आप कर सकते हो। ये देखिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जय कल्पेश्वर का जयकारा जरूर लगाए, जय कल्पेश्वर महादेव। ये देखिए सामने कल्पेश्वर महादेव का सुंदर नज़ारा और ये देखिए कल्पेश्वर महादेव जाने का सुंदर सा, ये देखिए पुल और सामने लुभाने वाला सुंदर सा झरना आप देख सकते हो, वाटरफॉल। तो दोस्तों आगे चलते चलते हमें मिल गई है बांसा जाने के लिए सड़क। ये देखिए कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जो कि वहाँ के लोग बांसा की सड़क के लिए धरना कर रहे थे। ये देखिए ये कट रही है, ये देखिए ये बांसा के लिए कट रही है ऊपर वाली सड़क, और नीचे वाली जो कि मैं आपको बता दूं भरकी के लिए कटेगी, अभी निर्माण चल रहा है ऊपर ये बांसा के लिए। और सामने देखिए कल्पेश्वर महादेव जाने का सुंदर सा पुल और सामने झरना और नदी और पहाड़ पे बसी भोलेनाथ की जटाएँ। ये देखिए ऊपर आप देख सकते हो भोलेनाथ की जटा आपको दिख रही होगी, मैं जूम करके अभी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हम आ चुके हैं मशरूम लेने के लिए, देखिए और हमारा प्लान बना और हम मशरूम निकालने के लिए आ गए हैं और इस पर हल्के हल्के छोटे छोटे लगे हैं, आपको पीले पीले दिखाई दे रहे होंगे। अभी हम इनको निकालेंगे, आपको बताएंगे कि मशरूम कैसे होते हैं जंगल के नेचुरल मशरूम। ये देखिए दोस्तों मशरूम क्या प्यारे प्यारे लग रहे हैं, अगर आपका मन कर रहा है तो आइए खाने के लिए। देखिए वाव सो ब्यूटीफुल, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए ये है मशरूम जो कि मैं आपको बता दूँ ऑर्गेनिक है, जो आप मार्केट से सब्जी खाते हो खरीद के मशरूम खाते हो उनमें उतना आनंद नहीं है जितना ये नेचुरल से जंगल के मशरूम जो हमारे उर्गम घाटी के मशरूम है, इतना आनंद इनको खाने में है। देखिए क्या प्यारे प्यारे और क्या सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। देखिए किस तरीके से मशरूम निकाले जाते हैं और आप ये भी देखिए मशरूम जो कि एकदम नेचुरल है और मैं आपको बता दूँ एकदम प्योर है, जो आप मार्केट से खाते हो मशरूम खरीद के उनमें उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद इनको खाने में आता है। देखिए क्या शानदार लग रहे हैं यहाँ पर, देखिए और मेरे साथ इनको निकालने हैं कैसे तोड़ने हैं। देखिए मशरूम को ही देखिए। तो दोस्तों हमने यहाँ से मशरूम निकाल लिए हैं और हम जा रहे हैं अगली लोकेशन की ओर, अगली जगह देखेंगे वहाँ हुए कि नहीं हुए हैं। देखिए काफ़ी भयानक रास्ता है जंगल का, तो दोस्तों हम लगे हैं रास्ते मशरूम ढूंढने में। देखिए क्योंकि ऑर्गेनिक है, डेली डेली बाज़ारों की सब्जी खा रहे हैं और मार्केट से ख़रीद के सब्जी खा रहे हैं, और आज हमने सोचा क्यों ना जो उर्गम घाटी के प्योर मशरूम है ऑर्गेनिक मशरूम है उनको लेने के लिए चले जाए। आ रखे हैं मशरूम लेने के लिए, देखिए अब जा रहे हैं ढूंढ रहे हैं मशरूम को, कहाँ मिलेंगे मशरूम। ये देखिए घनघोर जंगल है, तो दोस्तों देखिए घनघोर जंगल में रास्ते लगे हैं, देखिए मशरूम ढूंढने के लिए। देखिए क्या भयंकर जंगल है, देखिए जा रहे हैं मशरूम ढूंढने के लिए, इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ियों को जंगल में। देखिए ये देखिए मशरूम लेने के लिए जा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों जंगल में इस प्रकार के भी मशरूम होते हैं जो कि मैं आपको बता दूँ इनको नहीं खाना चाहिए, इनको नहीं लेना चाहिए। जब भी आप मशरूम लेने जंगल में जाओ इस प्रकार के मशरूम को नहीं निकाले क्योंकि ये काफ़ी जहरीले होते हैं, क्योंकि जंगल में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां और इस प्रकार के अन्य भी मशरूम पाए जाते हैं। जो खाने वाले मशरूम होते हैं वो पीले होते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया और भी दिखाएंगे हमें और मिलेंगे, लेकिन आप जब भी जंगल में जाओ इस प्रकार के मशरूम को मत निकालिए। दोस्तों हम कल्पेश्वर महादेव से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, देखिए जो आपको कल्पेश्वर महादेव में नीचे नदी मिलती है ये वही नदी है, देखिए इस तरीके से जाती है जो कि मैं आपको बता दूं आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे भूस्खलन जैसा,
ये 2013 की आपदा में आई थी। ये देखिए काफ़ी भयंकर आपदा यहाँ पे भी आई थी दोस्तों, देखिए जो कि यहाँ पे भी काफ़ी तहस नहस हो गया था। यहाँ पे जंगल हुआ करता था बहुत भयानक बड़ा सा, अभी यहाँ पे खाली खाली है आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए उधर पहाड़ी पे मधुमक्खी के छत्ते लगे हैं बहुत बड़े बड़े, पहाड़ी पे आपने कभी नहीं देखा होगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके, जो कि बहुत बड़े छत्ते लगे हैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो दोस्तों आपको ये काले काले जो छत्ते दिख रहे होंगे ये मधुमक्खी के छत्ते हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी सालों से लगते हैं। देखिए ये देखिए बहुत भयानक बहुत बड़ा छत्ता है मधुमक्खी का, आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, काले काले। देखिए ये सारी मधुमक्खियों का झुंड है, देखिए बहुत बड़ा है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों देखिए जंगल के काफ़ी भयानक रास्ते, देखिए घने जंगल की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं मशरूम लेने के लिए। देखिए तो दोस्तों ये है छोटे छोटे मशरूम, देखिए ऑर्गेनिक मशरूम उर्गम वैली के। देखिए अब इसको निकालेंगे मेरे साथी। तो दोस्तों आपने आगे वीडियो में देख लिया होगा कि हम जंगल में क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, आपने देख लिया होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कल्पेश्वर महादेव से ऊपर एक सुंदर वन नामक एक जगह है, ठीक उसके नीचे नीचे हम आए हैं। यहाँ पे क्यों आए हैं आपने देख लिया होगा, मशरूम निकालने के लिए आए हैं। जो कि मैं आपको बता दूँ, हम डेली डेली जो बाज़ारों की सब्ज़ी है उनको खा के परेशान हो चुके हैं जो हमारे घर में बनते हैं, और जो हमारी ऑर्गेनिक है जो हमारे उर्गम वैली में होती है हमारे जंगलों में होती है उनको नहीं खा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों को खाने में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ऑर्गेनिक है जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, फिर भी लोग इनको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाता भी हूँ और ख़ुद खाता भी हूँ। देखिए मैं मशरूम निकालने आया हूँ, मेरे पीछे आप मशरूम देख सकते हो, सुंदर सुंदर मशरूम। अगर आपका मन भी कर रहा होगा कि खास हम भी जाएँ और मेरे पीछे लगे मशरूम निकाल दें तो कमेंट ज़रूर करें हमें, और आइए आप भी उर्गम वैली और मशरूम खाएँ। आजकल के दिन में आएँ क्योंकि मिलते भी नहीं हैं, हमें तो मिल गए हैं, क्योंकि बहुत ढूंढना पड़ता है मशरूम को। जब मैं आपको बता दूं, जब बारिश होती है और जो सड़े गले पेड़ होते हैं वो सड़ जाते हैं, उनमें बारिश की बूंदें पड़ती है वो गीले हो जाते हैं, तब जाके मशरूम का निर्माण होता है, मशरूम बनते हैं छोटे छोटे जो कि एक दो दिन के अंतर्गत, जो कि मैं आपको बता दूँ एक दो दिन में बन जाते हैं। देखिए मेरे पीछे शानदार छोटे छोटे मशरूम अभी निकालेंगे। आपको बता दूँ मशरूम यूँ ही नहीं मिलते हैं, काफ़ी ढूंढना पड़ता है। कुछ ही पेड़ होते हैं जो सड़े गले जंगल में पाए जाते हैं उनमें मशरूम होते हैं। ऐसे नहीं कि आप उर्गम वैली आए और जंगल में घूमने लग गए आपको मशरूम मिले ही नहीं, तब ऐसा नहीं होता। बता दूँ कुछ वाइट मशरूम भी होते हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो बिसेले होते हैं जहरीले होते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो कि आपको जंगल में इस प्रकार के पीले मशरूम मिले यही खाने चाहिए। दोस्तों ये है उर्गम वैली का ऑर्गेनिक मशरूम, आप भी आइए ज़रूर खाइए। अगर आप कभी भी जंगल में जाओ, अगर आपको मशरूम खाने का मन करे बरसात के दिनों में, तो इस टाइप के मशरूम ढूंढना, क्योंकि उर्गम वैली में सभी लोग इनको खाते हैं। बाकी जो वाइट होते हैं और रेड कलर के भी होते हैं वो जहरीले होते हैं, उनका इस्तेमाल ना करें, उनको ना खाएँ। ये देखिए ये है उर्गम वैली के मशरूम, ये देखिए दोस्तों आप इनको निकालेंगे आप खाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ये देखिए मेरे साथी भी जुड़ चुके हैं, ये भी मेरे साथ मशरूम लेने के लिए आए हैं। इन्हीं का आइडिया था कि मशरूम लेने चले और क्यों ना लोगों को भी दिखाया जाए कि उर्गम वैली के मशरूम कैसे निकालते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं येल्लो येल्लो। आप भी आइए ज़रूर खाइए येल्लो येल्लो, आप भी आइए ज़रूर खाइए येल्लो येल्लो। तो अब मेरे साथी मशरूम निकालेंगे और मैं भी इनके साथ निकालूंगा। ये देखिए दोस्तों ऐसे मशरूम निकालते हैं, हम भी निकाल लें। अगर आपका मन कर रहा है मशरूम खाएं तो आइए उर्गम वैली, आजकल के दिनों में आइए, बस ना गर्मियों में आइए ना ठंडियों में आइए, आजकल ही होते हैं बरसात के टाइम पे। देखिए हमने निकाल दिए हैं और निकाल लें हम, ये देखिए मेरे साथ निकाल रहे हैं मशरूम। दोस्तों देखिए जंगल में जो मशरूम हो जाते हैं और इनको कोई निकालता नहीं है तो इस प्रकार से ये काले पड़ जाते हैं। देखिए ये पीले हैं और इन्हें काले काले दाग जैसे पड़ जाते हैं, लेकिन इनको फिर भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होते, अभी ख़राब होने की स्थिति में नहीं है। ये देखिए काले काले पड़ जाते हैं क्योंकि कोई इनको निकालता नहीं है और ये तो ये तैयार हो जाते हैं और कोई निकालता नहीं है, इस प्रकार से ये काले हो जाते हैं। देखिए ये है मशरूम, लेकिन ये अभी भी प्योर है, शुद्ध है, इसको खा सकते हैं, ले जा सकते हैं हम इसको ले जाएंगे। ये हमने निकाल दिया है और भी निकालेंगे हम। ये देखिए
मशरूम निकाल लिए हैं और भी निकालेंगे अभी, ये देखें, और जितने भी होएंगे आज सारे निकाल देंगे हम। और मेरे साथ ही निकालने में लगे हैं, देखिए ये देखिए उर्गम वैली का घनघोर जंगल के अंदर हम आए हुए हैं, देख सकते हो आप। ये देखिए भालू, और मैं आपको बता दूं इन जंगलों में जंगली जानवर भी होते हैं, उनका डर भी रहता है, लेकिन ये हमारा जंगल है तो हमें पता रहता है। लेकिन आप जब भी ऐसे घने जंगल में जाओ तो बड़े सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि ये हमारा अपना जंगल है, तो हमें यहाँ की पूरी जानकारी है और यहाँ के रास्ते और कहाँ से जाना है, कहाँ से उतरना है, ये हमें पता है। लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको दिक्कत होती है। कभी भी आप ऐसा नहीं कि मशरूम निकालने के लिए किसी भी जंगल में घुस जाओ, ऐसा नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ों का खतरा रहता है, डर रहता है, क्योंकि घनघोर जंगल है ये देखिए। और मेरे साथी लोग और मशरूम ढूंढने की तलाश में निकल रहे हैं, इनका कहना है कि इतना मशरूम से कुछ नहीं होगा, और ये और ढूंढने के लिए तलाश में जा रहे हैं। देखिए तो दोस्तों, देखिए हमें और मशरूम मिल गए, हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हमें मशरूम मिलते जा रहे हैं। देखिए ये भी शानदार येलो येलो मशरूम है, मिल गए हैं छोटे छोटे, देखिए मुझे पसंद है छोटे छोटे, मैं इन्हीं को ले जाऊँगा क्योंकि मेरे फेवरेट हैं ये। और ये देखिए मेरे साथी निकालते हुए इनको देखिए कैसे निकाल रहे हैं एंटी क्लॉक करके। देखिए तो दोस्तों, देखिए इस तरीके से जो सड़े गले पेड़ होते हैं उन पे ये मशरूम लगते हैं, और मेरे साथी लोग निकाल रहे हैं। देखिए मैं वीडियो बनाने पे बिज़ी हूँ तो मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं भी निकाल देता हूँ, क्योंकि मैंने निकाले भी थे, ऐसे नहीं मैंने निकाले नहीं। ये देखिए मैंने निकाल लिया है, देखिए कितना शानदार लग रहा है उर्गम वैली का मशरूम। ये देखिए अगर आप भी डेली डेली मार्केटों की सब्ज़ी खा करके परेशान हो गए हो, ये देखिए ऐसे मशरूम खाइए उर्गम वैली का, देखिए कितना शानदार लग रहा है। अब हम थैले में डाल देंगे इसको, ये देखिए हमने थैले में डाल दिया है। तो दोस्तों हम निकलना है आगे घनघोर जंगल की ओर, क्योंकि इनका कहना है कि अभी हमें और ढूंढना है, तो हम निकल रहे हैं जंगल की ओर। क्या है तो दोस्तों हम और निकलना है जंगल की ओर, क्योंकि और मशरूम हमें निकालना है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी कमी हुए औरों को भी देना पड़ता है जो रिश्तेदार होते हैं अगल बगल के गाँव में, क्योंकि गाँव का एक नियम होता है जब भी हम कुछ चीज़ लाते हैं चीज़ें तो हमें सबको बांटना पड़ता है अगल बगल। तो इनका कहना भी यही है कि अगल बगल हमको बांटना है, और हम जा रहे हैं और निकालने के लिए। वाह, तो दोस्तों देखिए हमें और मशरूम मिल चुके हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे पीले पीले, देखिए सामने, अभी आपको करीब से दिखाता हूँ। मेरे साथियों ने ढूंढ लिया है एक और पेड़ जिसपे काफ़ी सारे मशरूम लगे हैं, और अभी हम जाते हैं सामने से। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक मशरूम लगे हैं छोटे छोटे, जो कि काफ़ी देखने में काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, और खाने में तो और भी आनंद आएगा इनको खाने में। देखिए बहुत प्यारे लगे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए इस तरीके से पेड़ों पे मशरूम होते हैं, देखिए ये दूर दूर तक इस पे मशरूम हो रखे हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए आगे तक बहुत दूर तक ये पेड़ गिरा है, इस पे मशरूम हो रखे हैं, और मेरे साथ ही धीरे धीरे इनको निकालने में लग गए हैं, क्योंकि इनसे अब ये कह रहे हैं कि रुका नहीं जा रहा है, ये मशरूम को तोड़ने पर लग गए हैं, छाँट छाँट के निकाल लें। दोस्तों देखिए जो मशरूम के पीछे काई होती है उनको निकाला जाता है, उसके बाद थैले में रखा जाता है। ये देखिए इनके पीछे काई होती है, निकालने में काई भी आ जाती है, देखिए इस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि पूरा गुच्छा ही निकालते हैं, देखिए जो कि काफ़ी देखने भी काफ़ी लुभाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए मेरे साथी इसको निकाल रहे हैं, देखिए और थैले में डाल रहे हैं, देखिए मशरूम को। तो दोस्तों देखिए उर्गम वैली का मशरूम, देखिए आज हम मशरूम निकालने आए हैं, और हमें मशरूम मिल भी गया है, जब हम अन्य टाइम आते हैं हमें मिलते नहीं हैं, और आज हमें बड़ी आसानी से यहाँ पे मशरूम मिल गए हैं, और हम निकाल रहे हैं मेरे साथी भी। ये तो दोस्तों देखिए मेरे साथी मेरे पीछे मशरूम निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी सुंदर हो रखे हैं, आप देख ही रहोगे कैमरे के माध्यम से। इस तरीके से उर्गम वैली के जंगलों में मशरूम हो रहे हैं, और हम मशरूम की तलाश में लगे हैं, और हमें मिलते ही जा रहे हैं, और आप लोगों को मैं दिखाते जा रहा हूँ कि हमें कितने मशरूम यहाँ पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कैसे वैकल्पिक रास्तों पे हम जा रहे हैं, ये देखिए, और ये सामने छोटी सी चट्टान लग गई है, और इसमें फिसलने का डर है, फिर भी हम इसमें चढ़ेंगे, पहाड़ी हैं, पहाड़ियों की हिम्मत होती है चढ़ने की, और हम भी चढ़ रहे हैं। ये देखिए सभी लोग चढ़ रहे हैं, और आगे मशरूम की तलाश में जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हमें कुछ बड़े बड़े मशरूम मिल चुके हैं, देखिए अभी हमने छोटे निकाले, और ये कुछ इस प्रकार से बड़े होते हैं जो कि खाने लायक होते हैं, देखिए और मेरे साथ ही निकालने में लगे हैं, इनसे रुका नहीं जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, क्योंकि ये मशरूम के बहुत बड़े भूखे हैं, इनका फेवरेट है ये बता रहे हैं। ये देखिए ये बहुत ही भयंकर भुक्कड़ है मशरूम के, देखिए चेहरे नहीं दिखाऊंगा।
है।